श्याराम जय बागेश्वर धाम की, सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी साधकों को, बागेश्वर धाम की पुष्प की बगिया के सभी पुष्पों को, बागेश्वर की इस बगिया के सभी पुष्पों को पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बागेश्वर धाम की महिमा एक अपने आप में अद्भुत है। यह संपूर्ण बागेश्वर धाम अद्भुत है, बहुत ही प्राचीन है। चंदेलकालीन मूर्तियां आज भी खुदाई में पाई जाती हैं एवं यहाँ के दिव्य दरबार की अलौकिक महिमा अनेक अनेक वर्षों से संपूर्ण देश के कोने कोने से लेकर के वर्तमान में विश्व में व्याप्त है। बागेश्वर धाम की महिमा का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि दुखी, निराश, बेसहारा लोग अर्जियां लेकर के भक्त आस के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते और श्री बागेश्वर बालाजी की ऐसी दया होती, ऐसी कृपा होती, ऐसी महिमा होती कि वो यहां से हंसते हुए जाते हैं। एक दो प्रमाण नहीं, अपितु हजारों अनेकानेक प्रमाण बागेश्वर धाम के देखे गए, लोगों के मुख से सुना। और यहां पर जो दरबार लग रहा, विगत तीन पीढ़ी से लग रहा, पूज्य हमारे दादा गुरु सदगुरुदेव भगवान के रूप में जिनके चरणों की दया इस दास पर हुई, जो बागेश्वर धाम में 40 वर्ष तक बैठे रहे, सेवा करते रहे बागेश्वर बालाजी की, प्रथम पुजारी भी जिन्हें कहा जाता, संत स्वामी श्री श्री 108 श्री शैतुलाल गर्ग जी। हमारे दादा गुरु के पूर्व में उनके भी गुरुदेव थे, वो भी बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र थे। उनके पूर्व में एक और संत हुए स्वामी श्री गोले महाराज गर्ग। तीसरी पीढ़ी में यह दास आया, विगत तीन पीढ़ियों से बागेश्वर धाम की महिमा। यहां अर्जी लगाने का एक अपना विधान है। अर्जी कैसे लगाएं ये जानते हैं। अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले भक्त धाम पर आए, लाल रंग के कपड़ा लें, एक नारियल लें, 21 प्रदक्षिणा बागेश्वर बालाजी की करें, श्री राम नाम का जप करते हुए करें, एक दो अथवा पांच पाठ हनुमान चालीसा के बालाजी को सुनाएं, नारियल को हाथ में रखते हुए। बाद में जो मनोरथ लेकर के रोग, संकट, व्याधि, प्रश्न, मनोइच्छित जो भाव लेकर के भक्त आते हैं, वह मनोभाव बोल करके अर्जी को बागेश्वर बालाजी के धाम के प्रांगण में बांधते हैं। बाद में वर्तमान में अत्यधिक भीड़ होने के कारण पूरे देश के श्रद्धालुगण बागेश्वर धाम पर आते हैं, तो यहां अर्जी लगने का मतलब नारियल बांधना नहीं होता, अपितु एक पर्चे पर आपका प्रश्न, उसका कारण और उसका निवारण पहले से ही दरबार में लिख करके रख दिया जाता है। उसके लिए इस दास से मिलने के लिए टोकन नंबर की व्यवस्था की गई ताकि धाम की महिमा बनी रहे और एक नियमावली बनी रहे। तो पहले तो बहुत शीघ्र समय में मिलना हो जाता था, परंतु वर्तमान में संपूर्ण देश के कोने कोने से लेकर के विदेशों में भी, यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि आदि देशों में श्रद्धालुगण वहां से आकर के बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाते हैं, तो इस कारण से भीड़ होने